तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Realme 7 डिवाइस में Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का ऑफिशियल वर्जन इट मींस यार स्टेबल अपडेट आखिरकार कब तक देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यार आप लोगों को मालूम होगा कि Realme 7 डिवाइस में अभी तक Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का ऑफिशियल वर्जन इट मींस यार स्टेबल अपडेट देखने के लिए नहीं मिला। तो यार यूजर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है एंड यार वेट कर रहे हैं कि अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस हम बात करेंगे इस अपडेट के कॉन्फर्म डेट के बारे में। सो गाइस अगर आप भी हैं Realme 7 डिवाइस के यूजर्स तो यार आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज मे बी आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो Realme 7 डिवाइस में Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का ऑफिशियल वर्जन अपडेट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। तो गाइस अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा ये तो खैर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि यार Realme 7 डिवाइस जिनका बीटा अपडेट में अपडेटेड है गाइस, तो उन्हें कुछ दिन पहले एक अपडेट देखने के लिए मिला था जिसका वर्जन था F.06 का। गाइस ये अपडेट का फाइल साइज 237 MB का देखने के लिए मिल गया था। तो आप इसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस अपडेट में क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिला होगा। गाइज ये एक नॉर्मल सा अपडेट था जिस अपडेट के थ्रू डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को इन्हेंस कर दिया गया था एंड जो डिवाइस में बग एंड इशू था जो कि बीटा यूजर्स को बीटा अपडेट में देखने के लिए मिला था, तो वो बग एंड इशू को फिक्स करने के बाद डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया था। तो गाइज यही लास्ट अपडेट Realme 7 डिवाइस में बीटा यूजर्स को देखने के लिए मिला है F.06 वर्जन का एंड गाइस उसके बाद से कोई भी सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है जिनका Realme 7 डिवाइस बीटा अपडेट में अपडेटेड है उन्हें। तो गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि बीटा अपडेट जो प्रोवाइड कराया जाता है ना वो गाइस टेस्टिंग पर्पस के लिए ही प्रोवाइड कराया जाता है एंड कुछ ही यूजर्स को बीटा अपडेट देखने के लिए मिलता है। सो गाइस उन यूजर्स को अगर कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है तो उसके बाद गाइस सभी यूजर्स के लिए अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो जाता है उसके कुछ टाइम बाद। लेकिन यार बीटा यूजर्स अभी तो Realme UI 3.0 के फीचर्स का एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यार अभी जो Realme 7 डिवाइस के बचे हुए यूजर्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि आखिरकार Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का ऑफिशियल वर्जन इट मींस यार स्टेबल अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यार काफी लंबा टाइम हो गया है बीटा अपडेट मिले हुए, लेकिन अभी तक Realme 7 डिवाइस में Realme UI 3.0 का स्टेबल अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। सो गाइज अगर हम बात करें कि स्टेबल अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो देखो यार जिनका Realme 7 डिवाइस अभी बीटा अपडेट में अपडेटेड है तो गाइज उन्हें सबसे पहले एक अपडेट देखने के लिए मिलेगा जिस अपडेट का वर्जन हो सकता है Realme UI 3.0 के F.07 का। तो गाइज F.07 जो अपडेट देखने के लिए मिलेगा बीटा यूजर्स को, यार इस अपडेट के थ्रू बीटा अपडेट को स्टेबल अपडेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइज अगर उन यूजर्स को कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है तो उसके अप्रोक्स 15-20 डेज बाद सभी Realme 7 डिवाइस के यूजर्स के लिए Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का ऑफिशियल वर्जन अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि F.07 वर्जन का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, यार हो सकता है कि आप लोगों को ना मिड सितंबर तक अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस इसी वजह से आप थोड़ा सा अलर्ट रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहना। अगर हम बात करें कि सभी Realme 7 डिवाइस के यूजर्स के लिए Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का स्टेबल अपडेट कब से देखने के लिए मिल सकता है, यार हो सकता है कि आप लोगों को ना अक्टूबर महीना के फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिल सकता है, मे बी गाइज। वैसे गाइज Realme 7 डिवाइस में Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 के ऑफिशियल वर्जन अपडेट के रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के आता है यार आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।